हाँ जी, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सबको? ठीक है, सर। चलो देखो, आज से हम लोग है ना एनएलएम स्टार्ट करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लेकिन उसका जो स्टार्टिंग है ना, वो स्टार्टिंग आप लोग के सामने रखा गया है। और देखिए आप इस एक्सीडेंटल फिगर को, जिसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए, क्या बोलते हो? दिख रहा है? चलो जरा कुछ अपना व्यू रखो कि इस फिगर के पीछे और इस फिगर के पीछे का लॉजिक क्या है। लॉजिक क्या है मतलब दोनों का अपना, इसका अपना लॉजिक है, इसका अपना लॉजिक है। जो आप डिस्कस करने जा रहे हैं उसका ही मतलब पूरा का पूरा यूज है जो आप देखने जा रहे हैं। चलिए बोलिए कुछ। सेकेंड वाले में थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है। थर्ड अच्छा ठीक है। वाले में बर्फ लग रहा है, और फर्स्ट वाले में फर्स्ट बर्फ लग रहा है। यस लॉ लग रहा है? सर। चलो, एक्चुअली इन्हीं सब के बारे में आगे सेक्शन में आप है ना डिस्कस करेंगे, और उसी के बारे में पूरा एनएलएम स्टार्ट होता है। एक्चुअली देखो, जब भी कोई बॉडी मोशन करता है ना, जब भी कोई बॉडी मोशन करता है तो उसके मोशन से रिलेटेड दो टर्म आता है। एक होता है मोशन के होने के बाद का इफेक्ट, और दूसरा होता है मोशन के होने का कारण। एक होता है मोशन के होने के बाद का इफेक्ट, और दूसरा होता है मोशन के होने का कारण। जैसे हम आपको बोले कि ये गाड़ी इसमें फंस गया, उसके बाद जब ये हवा में है तो बताओ ये प्रोजेक्टाइल की तरह कितना दूर गिरेगा, कितना हाइट अटेंड करेगा, कितना देर हवा में रहेगा। ये सब है कि जो एक्सीडेंट होना था हो चुका, जो फोर्सेस उस पे लगना था लग चुका। उसके बाद बताइए कितना दूर गिरेगा, कितना ऊंचा जाके गिरेगा, कितने देर तक रहेगा हवा में। ये सब है काइनेमेटिक्स, मतलब मोशन का इफेक्ट। ये था काइनेमेटिक्स जो आप पिछला चैप्टर पढ़े हैं, काइनेमेटिक्स। लेकिन आखिर यहां हुआ क्या, आखिर यहां हुआ क्या, नेचर का कौन सा चीज फॉलो अप हुआ कि ये गाड़ी इसमें स्टक कर गया और ये आदमी ऐसे प्रोजेक्टाइल की तरह हवा में आ गया। यहां पे जब दोनों एक दूसरे के साथ टकराया तो क्या है कि वो खड़ा रह गया और ये उड़ के आया ना प्रोजेक्टाइल की तरह दूर जाके गिर गई। तो इसके पीछे का कारण, वो कॉज, ये हमेशा कोई ना कोई फोर्स होता है भाई, फोर्स होता है। और अब आप जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो इन्हीं फोर्सेस के बारे में आप पढ़ेंगे, हाउ दे एक्ट, वेयर दे एक्ट, एंड व्हाट आर द इफेक्ट दे कैन जनरेटेड। दैट इज फोर्स, एंड दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आपको पता चल गया आप इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं? तो आप इस चैप्टर में फोर्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो फोर्स जिसकी वजह से कोई इफेक्ट स्टार्ट होता है। यहां क्या हुआ जिस वजह से ये हवा में आ गया, यहां क्या हुआ कि ये एक प्रोजेक्टाइल की तरह उड़ के आके दूर जा गिरी और वो जैसे था वैसे ही अपनी जगह पे खड़ा हुआ। इन सबको बारीकी से देखने का चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया क्या करने जा रहे हैं आप लोग? यस सर। ठीक है, अब देखो हम लोग है ना इन सब का बारी बारी से सबका एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखेंगे, और वहीं से स्टार्ट होता है न्यूटन्स का लॉज। सबसे पहला है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। आप ऑलरेडी जानते हैं कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट को मेंटेन रखना चाहता है, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन को मेंटेन रखना चाहता है, अंटिल एंड अनलेस उस पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। बोलो सही है? यस सर। इसी का हाँ बोलो। बोले यस। अच्छा ठीक है, इसी का दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अंटिल एंड अनलेस उस पे आप कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें। यहां जब ये लड़का अपने पैर से इसको किक करेगा तो एक तरह से ये एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, रेस्ट में था मोशन में आ जाएगा। अगर उधर से बॉल आ रहा है तो वो अपना पैर से ऐसे रोकेगा तब जाके वो रुकेगा। तो जब भी कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहता है उस स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखना चाहता है, अगर वो स्टेट ऑफ मोशन में है तो मोशन को मेंटेन रखना चाहता है, तब तक जब तक कि उस पे बाहर से कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे, तब तक वो जिस स्टेट में उसी स्टेट को मेंटेन करता है। इसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है, इनर्शिया
वो प्रॉपर्टी है जिस वजह से कोई बॉडी न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो अप करता है। इनर्शिया दो तरह का, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहता है, स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब रेस्ट में रहेगा, और इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करता है, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करता है। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट जिस वजह से कोई बॉडी रेस्ट में रहना चाहता है, इनर्शिया ऑफ मोशन जिस वजह से कोई बॉडी मोशन करना चाहता है या मोशन में ही रहना चाहता है। तो सर कोई बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है तो उसका इनर्शिया आखिर मेजर कैसे करेंगे? हमेशा ध्यान रखना, इनर्शिया का मेजरमेंट किया जाता है मास से। इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल विथ मास। मतलब सर कोई अगर हल्का बॉडी है, कोई अगर हल्का, जैसे फुटबॉल एक हल्का बॉडी, इसके जगह पे हम एक स्टोन रख दे, एक बड़ा सा है ना आपके पास है ना, स्टोन, स्टोन नहीं बोलो, रॉक बोलो, कोई एक रॉक रख दे, भारी सा रॉक, अब बोलो उसको लात मारने, उस पर बोलो उसको मोशन में लाने, हो गया ना दिक्कत। अब देख भाई ये रॉक था तो इसका मास ज्यादा है, मास ज्यादा है वो कहीं रखा है तो उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी बड़ा है। अगर आप चाहते हैं कि ये रॉक जो रखा है जिसका मास ज्यादा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा है, अगर आप उसको मोशन में लाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारा फोर्स उस पर लगाना होगा, वो छोटे फोर्स से नहीं होगा। फुटबॉल हल्का, हल्का रेस्ट में है, एक लात मार दिए मोशन में आ गया, मोशन में था पैर से रोक दिए रेस्ट में आ गया, मास कम है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को भी तुरंत खत्म कर सकते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन को भी तुरंत दूसरे में बदल सकते हैं। लेकिन वही एक बड़ा सा रॉक है वो रखा हुआ है, मार दो लात मोशन में आ जाएगा क्या? नहीं ना। कारण क्या है? कारण पैर टूट जाएगा भाई, पैर दुखेगा। कारण कारण क्या है कि उसका मास इतना ज्यादा है कि वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है तो रहेगा जब तक कि बहुत ज्यादा फोर्स उस पे ना लगाए। अब आप एक जेसीबी लाइएगा, जेसीबी से उसको उठा के अलग कर दीजिएगा, बिल्कुल सही है, वो मोशन में आएगा, ऐसा नहीं है कि मोशन में नहीं आएगा, लेकिन फोर्स ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी ज्यादा है, इनर्शिया ऑफ मोशन भी ज्यादा है। तो मास से इनर्शिया का मेजरमेंट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट को मेंटेन करना चाहता है, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन को मेंटेन करना चाहता है, अंटिल एंड अनलेस कोई बाहर से उस पे नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स काम ना करे। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, और इनर्शिया किसी बॉडी का एक ऐसा प्रॉपर्टी जिस वजह से न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है। यही सब चीज था, आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है, ये सब आप पहले से भी पढ़े। या ये न्यूटन का सेकंड लॉ, एक बॉल आ रहा है हाथ में, मेरा बेसबॉल है, बॉल आ रहा है उधर से, बॉल आया, हम बेसबॉल से मारे उसके बाद बॉल इधर चल, तो बॉल पे फोर्स लगा कि नहीं? बॉल पे फोर्स लगा। अब किसी भी बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स एक्सटर्नल होता है या नेट फोर्स होता है, न्यूटन के सेकंड लॉ का कहना है कि एफ नेट एक्सटर्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। किसी भी बॉडी के मोमेंटम में जो आप चेंज करते हैं, मोमेंटम आप जानते हैं ना, एमवी इज कॉल्ड मोमेंटम। यस सर। किसी भी बॉडी के मोमेंटम में जो आप चेंज करते हैं उसका रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएशन, डीपी बाई डीटी रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएशन, उसको आप कहते हैं नेट फोर्स, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। किसी भी बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो सीधा उसके ऊपर लगने वाले फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहां से देखो न्यूटन का सेकंड लॉ, आप लिख सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू सम
some constant dp by dt for any system of unit. देखिए ये सब आपका पहले से पढ़ा हुआ चीज है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी निकालते हैं, फिर काम के चीज पे रुकेंगे. फॉर एनी सिस्टम ऑफ यूनिट, कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट ले लो तो के का वैल्यू वन होता. न्यूटन का कहना था कि चाहे आप सीजीएस में बात करेंगे, चाहे आप एसआई में बात करेंगे, एमकेएस में बात करेंगे, फुट पॉइंट सेकंड में बात करेंगे, किसी में बात करेंगे, के का वैल्यू वन होता. अच्छा, अगर के का वैल्यू वन है तो क्या हम सीधा लिखते हैं कि एफ नेट इज इक्वल टू डीपी बाई डीटी? तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ के हिसाब से नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, डीपी बाय डीटी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है. अब देखो, आपके पास सिस्टम भी दो तरह का होता है, और अगर आप बहुत अच्छे न्यूमेरिकल पे काम करना चाहते हैं ना, तो आपको यह समझना चाहिए कि न्यूमेरिकल में जो सिस्टम रहता है वो सिस्टम दो तरह का होता है. एक होता है कांस्टेंट मास सिस्टम और एक होता है वेरिएबल मास सिस्टम. कांस्टेंट मास सिस्टम, जैसे ये बॉल कांस्टेंट मास है, ये कांस्टेंट मास है, इसका मास बदलेगा नहीं. लेकिन अगर मान लो हम एक रॉकेट को फायर किए, हम एक रॉकेट को लॉन्च किए, भाई रॉकेट को लॉन्च किए, तो जब आप रॉकेट को लॉन्च कीजिएगा तो जब रॉकेट ऊपर जाएगा तो गैसेस इससे जल के बाहर निकलेगा ना. गैस जब जल के बाहर निकलेगा तो उसका मास कांस्टेंट है या वेरिएबल? वेरिएबल. बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा. घटेगा. तो इस तरह का वेरिएबल मास होता है. कांस्टेंट मास में देखो, जैसे तुम्हारे पास ब्लॉक रहेगा, कुछ भी रहेगा जिसका मास कांस्टेंट है. तो आपका जो न्यूटन का सेकंड लॉ है ना, ये जो सेकंड लॉ दिख रहा है आपको, ये दोनों केस में अलग अलग तरीके से यूज होता है. देखो, न्यूटन का सेकंड लॉ यही है, एफ नेट इक्वल्स टू डीपी बाय डीटी. लेकिन मास कांस्टेंट वाले सिस्टम पे ये अलग तरीके से काम करेगा और वेरिएबल मास सिस्टम पे अलग तरीके से काम करेगा. वेरिएबल मास सिस्टम का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आपके घर में बैलून लीजिए, बैलून को फुलाइए और उसका नोजल बांधे बगैर छोड़ दीजिए तो मूव करता है, नहीं तो ऐसे. तो उसका जो मोशन है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम. ठीक है, तो ये चीजें ऐसे आपको समझनी पड़ेगी. आप देखिए, हम लोग दोनों केस में अलग अलग काम करते हैं. फर्स्ट, फॉर कांस्टेंट मास, अगर मास कांस्टेंट हुआ तो देखो, एफ नेट इज इक्वल्स टू डीपी बाई डीटी है, तो आप बोल सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पी के जगह पे एम इंटू वी. तो हम लोग को तो मास कांस्टेंट है, मास को बाहर निकाल देंगे तो डीवी बाई डी टी लिखते हैं. Yes. बताओ जरा, डीवी बाई डी टी किसके बराबर? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन. तो ये रहा एफ नेट इज इक्वल टू एम ए. बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको लगता है एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, यही न्यूटन का सेकंड लॉ है. ये मिस कॉन्सेप्ट है. नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन एनी बॉडी विल बी इक्वल टू एम ए. ये फोर्स का मेजरमेंट है कि बॉडी पे जो नेट फोर्स काम करेगा वो क्या कर सकता है, वो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है. देखो, मेरा ये मार्कर या पेन बोलो, ये अभी रेस्ट में है. पता है ये रेस्ट में क्यों है? क्योंकि इसका एम जी जो है वो मेरे फिंगर के फोर्स से बैलेंस है. अगर हम इसको छोड़ देंगे तो मेरा फोर्स ऑफ हो गया, तो mg इसको नीचे खींच लिया, तो mg है नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, mm कट जाएगा, एक्सेलरेशन g के बराबर. बोलो, समझा? यस सर. तो f नेट इक्वल टू ma किसी बॉडी पे लगने वाले नेट फोर्स का मेजरमेंट होता है. ये न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं है. हाँ, सेकंड लॉ से डिराइव किया हुआ एक फॉर्मूला है, f नेट इज इक्वल टू ma. देखिए, अगर आप वेरिएबल मास ले लेंगे, अगर आपके पास कोई एक वेरिएबल मास होगा, जैसे आप बोले गुब्बारा वाला सिस्टम, रॉकेट का मोशन, ये सब वेरिएबल मास सिस्टम, तो आप वही सेकेंड लॉ एफ नेट इज इक्वल्स टू डीपी बाई डीटी जो आप देख रहे हैं, उसमें आप लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ पी के जगह पे मास इनटू वेलोसिटी. अब देखो, जैसा डिफरेंशिएशन में तुम पढ़ा है, एक यू है, एक वी है,
प्रोडक्ट रूल, हाँ प्रोडक्ट रूल, मास कांस्टेंट वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन प्लस वेलोसिटी कांस्टेंट मास का डिफरेंशिएशन, तो आपको इससे चलना पड़ेगा। अगर वेरिएबल मास सिस्टम है तो आपको इससे चलना पड़ेगा, तब जाके आप कोई भी अननोन निकालिएगा। वैसे आप एक चीज ध्यान रखिए कि स्कूल कोर्स के हिसाब से अगर आप पढ़िएगा तो केवल रॉकेट प्रोपल्सन ऐसा है जो स्कूल में है, वो भी कोई स्कूल पढ़ाता है कोई नहीं पढ़ाता है। लेकिन जब आप कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये आपको कराया जाएगा, अलग से कराया जाएगा। ठीक है, यहां तक देख लो, कहीं कोई डाउट किसी को? बता देते हैं बिल्कुल। देखो जस्ट एक, हाँ अभी देखिए, अभी देखिए, जैसे आलोक जो आप पूछे हम आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं। ये मान लीजिए एक टेबल है, ओके, और इस पे बहुत सारा चेन का चेन है, एक लंबा सा चेन है, उसको इस तरह से आप रख दिए, चेन है, चेन चेन मतलब सैकल्स हो गया, चेन हो गया, और इसके एक एंड को यहां से पकड़ के आप हवा में उठा रहे हैं। जब आप इसको पकड़ के हवा में उठा रहे हैं तो जो पोर्शन हवा में उठते जा रहा है क्या बोलते हैं उसका मास, कांस्टेंट है या वेरिएबल? वेरिएबल, इंक्रीज करते रहेगा। हाँ अब सुनो, हम तुमको बताते हैं, मान लो अभी हवा में, अभी हवा में ये पोर्शन है एम, तो पता है ये फोर्स जो है वो एम जी से बड़ा है, एम जी मतलब हो गया इतने पोर्शन का लेंथ। अगर आप इसको ऊपर की तरफ उठा रहे हैं वी वेलोसिटी से, तो भले हवा में एम है, देखिए समझिएगा समझिएगा, अगर हम इसको यही पकड़े रहें, पकड़ के रखें, तब तो हवा में एम ही रहेगा ना, तो उस समय एफ इक्वल्स टू एम जी होगा, न्यूमेरिकल यहां से बनेगा एफ इक्वल्स टू एम जी, बोलो समझा? लेकिन लेकिन अगर हम इसको पकड़ के लगातार उठाते रहे उठाते रहे उठाते रहे उठाते रहे, तो क्या ये मास कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल? वेरिएबल, वेरिएबल। तो देखो एम ए ही नहीं होगा, प्लस भी समथिंग होगा, एम ए ही नहीं होगा प्लस भी समथिंग होगा, इसलिए हम बोले फोर्स एम जी से बड़ा। अब समझे? तो ये वेरिएबल मास सिस्टम का एक उदाहरण, ऐसा क्वेश्चन आपको कंपटीशन लेवल के लिए मिलता है। ठीक है, उस समय हम लोग कैलकुलेशन सीख लेंगे, कैलकुलेट भी करेंगे। कोई दिक्कत और यहाँ? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्या बोलते हो सब कोई? न्यूटन्स का थर्ड लॉ, बोलो जी, देख लो ऊपर। तो इसका कहना क्या है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ऐसा है तो जब ये पर्टिकुलर लेडी उस पर्टिकुलर लड़के के साथ वहां कोलिजन हुआ तो दोनों पे इक्वल फोर्स लगा, जितना फोर्स इस गर्ल के ऊपर लगा उतना ही फोर्स उस बॉय के ऊपर भी लगा। ठीक है, तो फिर आखिर ये गर्ल हवा में ऐसे उड़ते हुए आ गई और वहां पे बॉय अपने जगह पे खड़ा रह गया। इन सब के पीछे एनएलएम का अच्छा मैकेनिज्म है सिखाने के लिए। बोलो किस पे ज्यादा फोर्स लगा, बोलो जी बोलो सर। लेडी पे नहीं, दोनों पे फोर्स इक्वल लगा है रोहित, यही तो है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सुनिएगा ध्यान से, हम सब एक्सप्लेन कर देंगे, आप टेंशन ना ले। हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट हम लिख रहे हैं, फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर, फोर्सेस पेयर में होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, थर्ड एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज, फोर्थ एक्शन रिएक्शन
पेयर मस्ट बी ऑफ सेम नेचर बट एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडी. सर क्या लिखा जा रहा है आप बताइए. चलिए एक एक पॉइंट पे बात करते हैं, एक एक पॉइंट पे बात. सबसे पहले नेचर में जितना भी फोर्स एग्जिस्ट करता है ना वो सब पेयर में होता है, जोड़ा. अगर हम यहां खड़े हैं और सन है वहां, समझ गए कहां? तो सन जितना फोर्स मेरे ऊपर लगा रहा है हम भी सन के ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहे हैं, हम भी उससे कम नहीं है. देखो ये है मास ऑफ आर के श्रीवास्तव एंड दिस इज मास ऑफ सन. हम लोग दोनों के बीच ग्रेविटेशन का फोर्स काम कर रहा है. सन हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, दिस इज फोर्स ऑफ सन ऑन आर के श्रीवास्तव. तो हम भी सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, दिस इज फोर्स ऑफ आर के श्रीवास्तव ऑन सन. फोर्सेस पेयर में होता है, सन हमको खींच रहा है हम भी सन को खींच रहे, सन हमको खींच रहा हम भी सन को खींच रहे. कौन ज्यादा स्ट्रांगली खींच रहा बोलो तो. वेरी गुड वेरी गुड. आई एम फीलिंग लाइक सुपरमैन. ओके फोर्स ऑफ सन ऑन आर इज हैव इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ आर ऑन सन. दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट है और वो दिख भी रहा है आपको. तो बातें कहां है जहां दिमाग में रखने वाली चीज है. नेचर में कोई भी फोर्स जो आप देखते हैं ना वो सब पेयर में होता है, वो सब पेयर में होता है. जैसे आप इस पेन को ऐसे पकड़िए तो याद रखना कि मेरा थंब अगर इसको राइट में पुश कर रहा है तो मेरा फर्स्ट फिंगर इसको लेफ्ट में पुश कर रहा है. हमेशा पेयर में फोर्सेस एग्जिस्ट करता है. इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, अपोजिट इन डायरेक्शन होता है. सही है. फिर सर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडी का मतलब देखो 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 समझना. अगर तुम इस फोर्स को एक्शन बोल दिया तो ये फोर्स रिएक्शन है एंड वाइस वर्सा. एक्शन अगर मेरे ऊपर लग रहा है तो रिएक्शन सन पे लग रहा है, और अगर सन पे एक्शन लग रहा है तो रिएक्शन मेरे ऊपर लग रहा है. एक्शन और रिएक्शन ना ही अकेले सन पे लगेगा ना ही अकेले मेरे ऊपर लगेगा. अगर मेरे ऊपर एक्शन लग रहा है तो सन पे रिएक्शन लग रहा है, और अगर सन पे एक्शन लग रहा है तो मेरे ऊपर रिएक्शन लग रहा है. एक्शन रिएक्शन हमेशा अलग अलग बॉडी पे काम करता है. तो ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है, ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है, याद रखना. ठीक है. और सेम नेचर का होता है भाई, यहाँ सेम नेचर लिखा हुआ सर. इसका मतलब देख भाई, एक्शन अगर कोई ग्रेविटेशन का फोर्स है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशन का फोर्स है. ऐसा नहीं कि एक वो ग्रेविटेशन होगा एक वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स होगा. ऐसा नहीं कि एक ग्रेविटेशन होगा दूसरा फ्रिक्शन होगा, ऐसा नहीं होगा. अगर एक ग्रेविटेशन है तो दूसरा भी ग्रेविटेशन है, अगर एक फ्रिक्शन है तो दूसरा भी फ्रिक्शन है, अगर एक नॉर्मल है तो दूसरा भी नॉर्मल है, अगर एक टेंशन है तो दूसरा भी टेंशन है. क्या ये लॉजिक समझ में आया? तो ये चीज आप बोले थे आप सन को खींच रहे सर, ये कैसे पॉसिबल है सर? अरे हम खींच रहे हैं, पॉसिबल भी है. अब तुम देखो कहां फंस गया, हम तुमको बताते. देखो ये थर्ड लॉ है. अब आ जाओ, फोर्स एक्टिंग ऑन सन ड्यू टू आर के सर इज इक्वल्स टू, ये सन पे फोर्स है ना, तो मास सन का और एक्सलेशन सन का लोगे. तो एक्सलेशन जब सन का लिखोगे तो फोर्स ऑन सन ड्यू टू आर के श्रीवास्तव डिवाइडेड बाय मास ऑफ सन लोगे. और इसी तरह अगर एक्सलेशन आर के सर का लोगे तो फोर्स लोगे आर के सर पे सन का और मास आर के सर का लोगे. अब सुनो, फोर्सेस बराबर है लेकिन अब सन का मास और मेरे मास में अंतर तो समझता होगा तुम. फोर्स बराबर है, फोर्स में तुम मत बोलना कि सर आप कमजोर हैं, फोर्स बराबर है लेकिन सन का मास बहुत 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 बहुत, और तीन चार दिन बोल दो बहुत,
इतना ज्यादा है इसलिए उसका एक्सलेशन आपको पता नहीं चल रहा है। रोशन आलोक बाबू, हम उसको खींच रहे हैं, उसका एक्सलेशन कम है, आपको पता नहीं चल रहा। ओके, मेरा मास कम है, ठीक है, फोर्स हम लोग बराबर है, लेकिन हम हल्के हैं भाई, हम क्या करें, भगवान बनाए हैं हल्के हम, तो उसको वो हमको अपनी तरफ स्ट्रॉन्गली खींच ले रहा। मेरा एक्सलेशन आपको पता चल रहा, हम उसके चारों तरफ घूम रहे, हम उसके चारों तरफ घूम रहे, वो कह रहा है मेरे चारों तरफ वो भी घूम रहा है, लेकिन इतना छोटा सर्कल, इतना छोटा सर्कल वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये तरीका है। फोर्सेस पेयर में एग्जिस्ट करती है, हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, बच्चा लोग या आप लोग कहां कंफ्यूज हो जाते हैं, आप फोर्स और एक्सेलरेशन को एक चीज मान लेते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, फोर्सेस बराबर है, मास के साथ एक्सेलरेशन इनवर्सली है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम आएगा, जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा। ओके, आई होप सो समझ में आए ये सब। ठीक, अब आ जाओ, इनके उड़ने का कारण पता करते हैं, देख लो अच्छे से। हाँ देखो भाई, जब ये कोलिजन हुआ, कोलिजन के समय हम यहां पे एक फिगर बनाते हैं, एक सुंदर सा यहां फिगर बनाते हैं, हेज बॉय और मैन एंड सेज गर्ल और लेडी, दोनों के हाथ में बड़ा बड़ा फुटबॉल है। ठीक है, ये दोनों जब एक दूसरे से टकराया, तो दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन बॉय ड्यू टू गर्ल एंड दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन गर्ल ड्यू टू बॉय। क्या बोलते हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? ठीक है, अब बताओ पहला कारण। पहला कारण, आपको उस बॉय का एक्सेलरेशन अगर पीछे की तरफ आप चाहेंगे एक्सेलरेशन ऑफ बॉय सोचना, तो फोर्स एक्टिंग ऑन बॉय ड्यू टू गर्ल डिवाइडेड बाय मास ऑफ बॉय लीजिएगा ना। और अगर गर्ल का एक्सेलरेशन डिसाइड कीजिएगा, तो फोर्स एक्टिंग ऑन गर्ल ड्यू टू बॉय डिवाइडेड बाय मास ऑफ गर्ल लीजिएगा। अब कौन हल्का है ये तो आप देख ही पा रहे होंगे। Yes, इसलिए गर्ल हल्का है, हल्की है, इसलिए है ना हम लोगों को है ना उसका एक्सेलरेशन ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, चलिए एक बात, लेकिन यहाँ मैकेनिज्म इतना इजी नहीं है यार। एक चीज तो अगर मान लो ऊपर ऊपर बात करें तो हम तुमको ऐसे बोलते, तो उस हिसाब से तो लड़के को भी पीछे जाना चाहिए था ना, जाना तो चाहिए था ना। इसमें मास का इतना अंतर नहीं है कि सूरज और मेरा वाला अंतर है, बोलो सही है? Yes, अरे क्या होगा, ये मान लो 70-75 केजी का होगा, तो इधर भी तो 55-60 केजी के हैं, तो माइनर अंतर है, चलता है। अगर इसका एक्सेलरेशन हम लोग 5 देख रहे हैं, तो इसका एक्सेलरेशन कम से कम 4 तो आना चाहिए। तो फिर लड़का या बॉय पीछे क्यों नहीं गया, बोलो? और ये ऐसे उड़ के वापस क्यों आई? देखो, जब टक्कर हो रहा है सबको ध्यान देना, लेडी का पैर हवा में है और लड़के का पैर जमीन पे है। हाँ सर। यस सर। अब देखो, इनके हवा में आने और इसके जमीन पे रहने से क्या हुआ वो समझो। इसके जमीन पे रहने से जब इस पे फोर्स लगा, तो फ्रिक्शन उसको थोड़ा बैलेंस कर दिया, फ्रिक्शन उसको है ना थोड़ा ओवरकम कर दिया, और वो लगभग अपनी जगह पे है, बोलो ठीक है? Yes, sir. और ये लेडी जब हवा में, हम हवा के लिए जमीन को थोड़ा नीचे कर देते, ओके? और ये जब लेडी हवा में आई, तो उसको फ्रिक्शन का सपोर्ट नहीं मिला। इसलिए देखो, ये दोनों फोर्सेस बराबर, लेकिन इस मैन को सपोर्ट मिला उसके जमीन के फ्रिक्शन का। देखना उसका पैर, उसके जमीन के फ्रिक्शन का, और वो अपनी जगह पे रह गया, क्योंकि फ्रिक्शन जो था उस पे लगने वाले लेडी के फोर्स को बैलेंस कर दिया। बोलो समझ में आ रहा है? Yes, sir. लेकिन लेडी पे जो फोर्स लगा उस समय वो
हवा में थी, हवा में, इस वजह से उसको बैलेंस करने के लिए किसी का सपोर्ट नहीं मिला, तो ये फोर्स उसको लेके उड़ गया। बोलो, समझे? यस सर। इस नजरिए से आपको ये चैप्टर देखना है, आप फिर मजा आएगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। कहीं किसी को डाउट? न्यूटन्स थर्ड लॉ क्लियर? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर, forces exist in pair having equal magnitude and opposite in direction, they have same nature but acting on different bodies. Is this clear? Yes sir. Ab aaiye free body diagram pe. Free body diagram aap jitna bhi padhenge na yahan se aage wo sab hai na isi topic ke ird gird ghoomte rehta hai, theek hai? Free body diagram, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? कोई भी बॉडी को, जैसे ये पर्सन खड़ा है, अभी मान लो आप हमी को देख रहे हैं तो आप मेरे बॉडी को देख पा रहे हैं ना, लेकिन मेरे बॉडी पे जो अलग अलग तरह का फोर्स है, जैसे सन का ग्रेविटेशन लग रहा है आपको दिख नहीं रहा है, अर्थ ग्रेविटेशन से हमको नीचे खींच रहा आपको दिख नहीं रहा है, नीचे वाला फ्लोर हमको ऊपर धकेल रहा आपको दिख नहीं रहा है। जितना भी नेचर में फोर्सेस किसी बॉडी पे लगता है उसमें कुछ कुछ होता है जो काम का है, कुछ कुछ नहीं। अब मेरे बॉडी पे आप सन का फोर्स अभी निकाल के क्या कीजिएगा? आपको कोई फायदा नहीं, ठीक है? लेकिन जमीन का फोर्स, जिसको आप नॉर्मल कहते हैं, मेरा वेट, इन सब सारे फोर्सेस को एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ, एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ जब आप किसी बॉडी पे ड्रॉ करते हैं तो आपको एक डायग्राम मिलता है, उसी डायग्राम को आप कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे इस इंक्लाइन पे एक ब्लॉक रखा है तो इस पे mg लग रहा है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशन लिखा है mg, सरफेस का कांटेक्ट फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसको आप नॉर्मल कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। तो ये जो अलग अलग तरह का फोर्सेस ड्रॉ हुआ, यहां देखो इस पर्सन का वेट नीचे लग रहा है, जमीन का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, यहां देखो थ्रेड जो बंधा है उसका टेंशन इस पे लग रहा है, इधर नीचे वाले सरफेस का रिएक्शन ऊपर लग रहा है, एमजी नीचे लग रहा है, सोन सोन सोन। इन सारे फोर्सेस को जो किसी बॉडी पे किसी क्षण काम करता रहता है उसको दिखाने वाला डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। अब आपके मन में तुरंत एक सवाल, सर आप तो झटाझट सब बना दिए, हम लोग का क्या होगा? बस इसी के लिए तो बोल रहे हैं, हम लोग रुक रुक के एक एक फोर्स पढ़ेंगे। बॉडी का वेट क्या होता है, बॉडी का नॉर्मल किधर लगता है, टेंशन किधर लगता है, सुडो फोर्स किधर लगता है, स्प्रिंग फोर्स किधर लगता है, फ्रिक्शन किधर लगता है। तो कुल मिला के आपके पास जो अभी आप स्टार्टिंग फेज में है, आपको जो फोर्सेस डिस्कस करना है, सबसे पहला होता है बॉडी का वेट, दूसरा होगा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे टेंशन, थ्रेड का टेंशन, फोर्थ हम लोग डिस्कस करेंगे स्प्रिंग का फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, फिफ्थ हम लोग डिस्कस करेंगे सुडो फोर्स, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन, फिर आगे हम लोग और बढ़ेंगे सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल। अब हम लोग फोर्सेस एक एक करके पढ़ते रहेंगे और धीरे धीरे ना चीजें आगे बढ़ते रहेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम, चलो थोड़ा आगे बढ़े। चलो देखो, सबसे पहला है बॉडी का वेट। मेरी आवाज आ रही है आप लोग तक? Yes, sir. बॉडी का वेट हमेशा लिखा जाता है mg। अब ये g 9.8 लेना है या g 10 लेना है, ये क्वेश्चन और उसका डाटा डिसाइड करेगा। अगर क्वेश्चन में 9.8 दे दिया है, यू हैव टू टेक 9.8। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो क्या बोलता है, 10 ले लिया जाए? Yes. तो 10 लेके आप काम कर सकते हैं। और इसका डायरेक्शन हमेशा होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड। जैसे देखो
ये लेडी यहाँ खड़ी है, अगर इसका वेट ड्रॉ करना है तो अर्थ के सेंटर की तरफ ड्रॉ कर दीजिए, अर्थ के सेंटर की तरफ उसका वेट ड्रॉ कर दीजिए। अर्थ के सेंटर की तरफ वेट काम करता है, लेकिन जब आप अर्थ नहीं बनाते कोई सरफेस बनाते हैं तो वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही बनता है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। जैसे यहां देखो, इस फिगर को देखो, मान लो जैसे हमको इस बॉडी का वेट बनाना है वर्टिकली डाउनवर्ड, हमको इस बॉडी का वेट बनाना है वर्टिकली डाउनवर्ड, हमको इस बॉडी का वेट बनाना है। अच्छा, ये कैपिटल एम था तो कैपिटल एम ही लिख लेते हैं, कैपिटल एम जी, यहां स्मॉल एम जी, फिर यहां देखो वर्टिकली डाउनवर्ड, कैपिटल एम जी, वर्टिकली डाउनवर्ड स्मॉल एम जी। तो कभी भी किसी भी बॉडी का अगर वेट बनाना पड़े, यू हैव टू ऑलवेज ड्रॉ द डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, हमेशा ध्यान रखना वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन हम इस फिगर में एक चीज आपको बताना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत काम का है। देखिए आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा, इतना, अगर ये एम जी लग रहा है इंक्लाइन के ऊपर, बॉडी का वर्टिकली डाउनवर्ड है वेट का डायरेक्शन, तो इस mg का दो कंपोनेंट होता है, एक इंक्लाइन के पैरेलल और एक इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, एक इंक्लाइन के पैरेलल और एक इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। सर कंपोनेंट देखो, कंपोनेंट सबको ही देखो, सबको ही सबको ही सबको ही। अच्छा ये थीटा है तो यहाँ पे 90 है। yes, sir. अच्छा तो क्या इधर 90 माइनस थीटा है? yes, sir, 90 minus theta. तो क्या ये वाला एंगल थीटा रहा है? अब थोड़ा वेक्टर से आपको कुछ रिकॉल करा दे, आप याद कीजिए, अगर ये ए वेक्टर है और ये एंगल थीटा है तो क्या इधर वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा और दूसरा वाला कंपोनेंट ए साइन थीटा आता है? आप सबको तैयार हो जाओ, देखो ये mg है ये थीटा है तो क्या इधर वाला कंपोनेंट mg का cos थीटा आएगा? यस सर। और क्या ये वाला कंपोनेंट mg का sin थीटा आएगा? यस सर। हम आप सबको बोल रहे हैं आप एक मिनट समय देके इसको दिमाग में बैठा लीजिए, इतने बार आप इसको ड्रॉ कीजिएगा ना आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये देखिए थीटा, सीधा यहाँ थीटा लिखेंगे, यहाँ थीटा देखेंगे सीधा यहाँ थीटा लिखेंगे, और ये mg है तो ये mg cos थीटा, वो mg sin थीटा। इतने बार ये डायग्राम आने वाला है कि आप सोच ही नहीं सकते। तो mg ऐसे ड्रॉ करना है, हमेशा mg वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, जरूरत के हिसाब से कंपोनेंट तोड़ दिए। यहाँ पे देखिए कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। नो सर। ठीक, ये देखो सामने है, क्या हम इसका mg नीचे लिखें, m1g लिख देते हैं इसको, तो क्या इधर वाला फोर्स हम m1g का साइन 30 डिग्री लिखें? यस सर। और ये वाला फोर्स अगर हमको लिखना होगा तो क्या m1g का cos 30 लिखें? यस सर। अब यहां देखो, मान लो ये मास बदल गया, आप इसको नाम m2g दे दिए, तो m2g का इधर वाला कंपोनेंट m2g का साइन साइन 53 डिग्री होगा, और ये वाला कंपोनेंट m2g का कॉस 53 डिग्री होगा। बोलो सही है? यस सर। तो इस तरह से अब देखिए, आप लोग कॉपी पे कैसे बनाते हैं, आपको इसके साथ पैरेलल बनाना है, पैरेलल तो आप लोग बनाइएगा, उधर उड़ेगा उधर उड़ेगा, इसको परपेंडिकुलर बनाना है तो एकदम परपेंडिकुलर जैसा दिखना भी चाहिए। ओके, फिगर एकदम सुंदर बनाना है, हड़बड़ाना नहीं है, सुंदर बनाना है, एकदम अच्छा बनाना। ओके, अगला देखो, नेक्स्ट आ गया नॉर्मल रिएक्शन, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले तो आप लाइन कुछ सुन लीजिए। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा एन ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन
कॉन्टैक्ट सरफेसेस, एन हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच एग्जिस्ट करेगा, दूसरा डायरेक्शन ऑफ एन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, यह हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस और यह हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच एग्जिस्ट करेगा। सर क्या बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा कुछ। देखो ये मेरा मोबाइल, आप जिसको हवा में रखिए, जितने देर ये हवा में है, जितने देर ये हवा में है, इसके ऊपर कोई नॉर्मल काम नहीं करेगा, क्योंकि हवा में नॉर्मल काम नहीं करता। नॉर्मल के लिए इसको किसी सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में आना पड़ेगा। जब ये मोबाइल नीचे वाले सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में आया, तब मोबाइल और नीचे वाले हाथ के बीच का जो कॉन्टेक्ट लेयर बना, वहां एग्जिस्ट करेगा नॉर्मल। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, बोलो, यहाँ नॉर्मल एग्जिस्ट करेगा या नहीं? यहाँ पर करेगा, यहाँ करेगा या नहीं? Yes, ये बताओ, यहाँ नॉर्मल एग्जिस्ट करेगा या नहीं? Yes. Yes. नहीं करेगा। No, sir, नहीं करेगा। कहाँ टच कर रहा किसी को? यहाँ करेगा नहीं करेगा? यहाँ करेगा नहीं करेगा? इस पर करेगा, इस पे करेगा, बोलो सही है? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे बॉडीज पे नॉर्मल नहीं होता। नॉर्मल के लिए सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में आना जरूरी है, लाइक दिस। अब सर डायरेक्शन क्या होगा? जब आप दो सरफेस को टच करेंगे ना, तो एक कॉन्टेक्ट सरफेस बनता है। नॉर्मल हमेशा उस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करेगा। नॉर्मल हमेशा उस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करेगा। इज दिस क्लियर? अब देखिए ध्यान से इस फिगर को, गौर से देखिए। क्या इस बॉडी का वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है? mg? Yes, sir. अच्छा, इस बॉडी पे क्या इस डायरेक्शन से एक नॉर्मल काम कर रहा है? n1? और ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो उसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल इधर से काम कर रहा है, n2। देखो कॉन्टैक्ट सरफेस, देखो कॉन्टैक्ट सरफेस। अच्छा, जिनका स्पीकर से थोड़ा घर से साउंड आ रहा हो, अपना बंद कर लेंगे माइक, ठीक है? अपने से कर लो यार। देखो कॉन्टैक्ट सरफेस ये है, कॉन्टैक्ट सरफेस ये है, तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल। कॉन्टैक्ट सरफेस ये है तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल। और छोटा छोटा फिगर देखो, जैसे मान लो ये एक टेबल है, ये एक ब्लॉक रखा है। अगर आप इस ब्लॉक का वेट बनाएंगे, तो वेट तो नीचे की तरफ है mg, लेकिन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर इस पे लगेगा नॉर्मल ऊपर की तरफ। इज दिस क्लियर? हमेशा डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। जो कॉन्टैक्ट सरफेस दिखेगा उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा। जो कॉन्टैक्ट सरफेस दिखेगा उसके परपेंडिकुलर, ठीक है? ये हमारा नॉर्मल है ऐसे। अब आओ आगे, एक से एक फिगर है आपका इंतजार कर रहा है, जरा गौर करो। देखिए ध्यान से, क्या मेरा ये लैडर वॉल के साथ यहाँ कॉन्टेक्ट में है? Yes. और जमीन पे यहाँ कॉन्टेक्ट में है? Yes, sir. Yes. तो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ का नॉर्मल nb, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ का नॉर्मल na। इस पर्सन का अपना वेट mg, ये पर्सन का वेट है mg। और अगर लैडर का लिखना है, तो लैडर का पूरा एक सेंटर होगा ना, कहीं 10 मीटर का है तो कहीं 5 मीटर होगा। जहां सेंटर होगा वहां पे इसका स्मॉल mg, ये डायग्राम। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है? नॉर्मल समझ में आया? कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर? Yes, sir.
अगला देखते हैं। यहाँ देखिए आपसे बोला गया कि चलो जी इस डायग्राम में है ना जो बोला गया नॉर्मल उर्मल कैलकुलेट करो, कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन ब्लॉक, कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन ब्लॉक। चलिए डायग्राम बनाते एक सुंदर सा। मान लीजिए इस फोर्स को हम लोग F1 कह दिए तो 30 डिग्री है तो क्या ये राइट की तरफ लगेगा, F1 का cos 30 बोलो बोलो ये 200 हो गया और cos 30 है रूट 3/2, सॉल्व करके आ रहा 100√3। अब देखो इसका ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा F1 का साइन 30, F1 का वैल्यू है 200 और साइन 30 हो गया 1/2, तो इसको हम लोग सॉल्व किए तो 100 न्यूटन आ गया। और देखो ये फोर्स चलो इधर लग रहा है कोई बात नहीं, ये 30 केजी का है तो क्या ये mg 300 न्यूटन का नीचे लगेगा? यस सर। और नीचे वाले सरफेस का नॉर्मल लगेगा ऊपर? यस सर। अच्छा अगर हम तुमसे बोले कि भाई नॉर्मल निकालो तो नॉर्मल का वैल्यू आप बता सकते हो कितना है, n का वैल्यू बता सकते हो कितना? 300 न्यूटन। नॉर्मल का वैल्यू है 200 न्यूटन, कैसे बोलो? आप लोग क्या किए ना केवल इसको इसके साथ देखे, आप ये नहीं देख रहे कि एक फोर्स इसका भी ऊपर वाला 100 न्यूटन लग रहा है? हाँ सर इसको तो देखे ही नहीं। अभी आप देखिए फॉर वर्टिकल डायरेक्शन ऊपर वाला दो फोर्स है, एक नॉर्मल है और एक 100 न्यूटन का ऊपर का फोर्स है और नीचे वाला फोर्स है 300, तो क्या आपके नॉर्मल का वैल्यू 200 न्यूटन होगा? यस सर। तो नॉर्मल का वैल्यू 200 न्यूटन ये रहा आपके पास। अब अगर हम तुमसे पूछ लें कि बताओ ये लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा तो क्या आप आंसर बता पाएंगे? लेफ्ट जाएगा। लेफ्ट जाएगा। हाँ कारण ये है कि 100 और रूट 3 का वैल्यू 1.73 अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 173 न्यूटन हुआ। अब लेफ्ट की तरफ 200 न्यूटन लग रहा, राइट की तरफ 173 लग रहा, यहां आएगा न्यूटन का सेकंड लॉ। लेफ्ट की तरफ है 200 न्यूटन, राइट की तरफ है 173 न्यूटन, तो ये बॉडी जाएगा लेफ्ट की तरफ। बताओ अलोंग हॉरिजेंटल, अलोंग हॉरिजेंटल क्या लिख दे एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन? क्या हॉरिजेंटल में एफ नेट में 200 माइनस 173 लिख दे, मास है 30 इनटू ए, क्या ये समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू है 27/30? यस। सबको ये अच्छे से देखो, समझ में आ रहा है? यस। तो ये तरीका है जैसे आपके पास है ना सोचना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि किधर बॉडी मूव करेगा, किधर फोर्सेस बैलेंस्ड हो रहा है, किधर फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं हो रहा है, ये सब देख दाख के आपको काम करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए इस महाशय को क्या बोलते हो, क्या इसका वेट नीचे काम करेगा? yes, अगर ये एंगल थीटा हुआ तो वेट का एक कंपोनेंट इधर आएगा mg sin थीटा। yes, और ये जो प्लेन आपको दिख रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर में काम करेगा mg का cos थीटा। yes, इसको नीचे वाले फ्लोर का नॉर्मल मिलेगा इस डायरेक्शन में? Yes, अब बताइए ये महाशय को, अभी हम फ्रिक्शन का चर्चा नहीं करें बिकॉज हम फ्रिक्शन पढ़ाए नहीं है, इसलिए हम फ्रिक्शन का कोई बात अभी नहीं करेंगे। जब हम आपको फ्रिक्शन पढ़ा देंगे उसके बाद आपको फ्रिक्शन के बारे में ले चलेंगे।
तब तक आप ये मान के चलेंगे कि जो भी सरफेस हम आपको दिखा रहे हैं दैट इज स्मूथ, वो स्मूथ है, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। वंस आपको फ्रिक्शन हम पढ़ा देंगे उसके बाद आप जहां जैसा रहेगा लेके चलेगा, लेकिन तब तक आप स्मूथ मान के चलेंगे। अब आप सोच के बताइए, ये क्या इस पर्टिकुलर स्लाइडर को तोड़ के नीचे या ऊपर करेगा? ये जब भी स्लिप करेगा तो पैरेलल स्लिप करेगा ना? Yes, sir. तो इसका एक्सेलरेशन भी पैरेलल ही होगा। तो आप बोल सकते हैं कि नॉर्मल जो है वो एग्जैक्टली mg cos थीटा के बराबर है, ये इक्वेशन वन हो गया आपका। लेकिन पैरेलल टू इंक्लाइन, जो आपका इंक्लाइन के पैरेलल है, आप लोग फिगर को ध्यान से देखिए, mg sin थीटा किसी से बैलेंस हो रहा है या अनबैलेंस्ड ही रह जा रहा है? अनबैलेंस्ड ही रह जा रहा है। तो आप लिखेंगे F net is equals to MA, और F net में आएगा MG का sin theta, वही MA के साथ बराबर है, दोनों तरफ मास मास कैंसिल, तो acceleration is equals to G sin theta। Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आपके सामने जो इक्वेशन आया, आप इस इक्वेशन से क्या सीखे? हम आपको बताते हैं आपको क्या सीखना चाहिए। अगर हम लोग फ्रिक्शन को नहीं ले, ऑब्वियसली हम बोल चुके हैं फ्रिक्शन आपको नहीं लेना है, अगर आप फ्रिक्शन को नहीं ले तो चाहे यहां से कोई मोटा बच्चा, हेल्दी मोटा मोटू, वो स्लिप करे, या कोई पतला बच्चा जिसका मास कम हो वो स्लिप करे, फर्क नहीं पड़ता, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, ये मास से डिपेंडेंट नहीं है। समझ में आया? जबकि देखिए, अभी तो आपका समझना आसान है क्योंकि मेरे पास मैथमेटिकल इक्वेशन है आपको सपोर्ट में मिला हुआ है। लेकिन एक आम पब्लिक से अगर बोलिएगा कि एक हल्का बच्चा स्लिप कर रहा है और एक भारी बच्चा स्लिप कर रहा है, तो उसका जनरल आंसर क्या होगा? कौन ज्यादा तेजी से स्लिप करेगा? तो उनका बात अपनी जगह 100% सही होता है, क्योंकि उनके कपड़े और सरफेस के बीच फ्रिक्शन होता है। बात समझ में आया? लेकिन अगर आप फ्रिक्शन को किसी तरह से स्विच ऑफ कर पाएंगे तो एक्सेलरेशन मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इज दिस क्लियर? यस। चलिए, बढ़िया। अच्छा, आगे बढ़े। इसको देखिए, एक बेहतरीन डायग्राम। मान लीजिए हम इस पर्टिकुलर ब्लॉक को, ये जो बॉल आपको दिख रहा है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं। हम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉल बना रहे हैं, केवल बॉल। अभी हम दो चीज आपको दिखा रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। यहां पे एक ओट लगा है, ओट मतलब समझता है, रोकने वाला चीज, ओके। एक स्टॉपर यहां लगा है जो इसको स्टॉप करके रखा है, स्टॉपर जो इस ट्रायंगल को राइट में नहीं जाने देगा, ट्रायंगुलर वेज को राइट में नहीं जाने देगा। तो आप बताओ, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम मतलब रुका हुआ है या नहीं? Yes, sir. रुका हुआ है, वेरी गुड। तो चलिए, अब रुका हुआ के लिए केस बार देखिए, मेरे बात को समझिएगा। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ एनी सिस्टम, कोई भी सिस्टम का अगर इक्विलिब्रियम है तो याद रखना उस पर लगने वाले नेट फोर्स का वैल्यू जीरो होता है। कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, रुका हुआ है, कांस्टेंट वेलोसिटी में है, तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है कि उस पे लगने वाले नेट फोर्स का वैल्यू जीरो होगा। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। अब आइए, बॉल को पकड़िए आप। ये बॉल का अपना वेट है नीचे की तरफ एम जी। देखो, एक बार यहां कांटेक्ट में है ये वाला, तो यहां से एक नॉर्मल लगा राइट की तरफ, मान लो एन वन, और फिर एक कांटेक्ट यहां है ये वाला, यहां से एक नॉर्मल लगा एन टू, ये एंगल है 45 थीटा। गौर से देखना, सबको बहुत ध्यान से देखना, हम आपको दिखा रहे हैं कि अब फिजिक्स में है ना, आपको काम कैसे करना है। अच्छा, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा,
यस सर, यस सर, ये 90 माइनस थीटा, फिर से ये एंगल थीटा होगा, यस सर, तो एन टू का ऊपर वाला कंपोनेंट, एन टू का ऊपर वाला कंपोनेंट एन टू का कॉस थीटा होगा, यस सर, और लेफ्ट वाला कंपोनेंट एन टू का साइन थीटा होगा, यस सर, हाँ गुड। अब जरा देखो, आप बोले ना कि सर बॉल इक्विलिब्रियम में है, अगर बॉल इक्विलिब्रियम में है तो बॉल पे लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू जीरो होना चाहिए। आप देखिएगा जो एन वन है वो एक्चुअली एन टू साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है, एन वन और एन टू साइन थीटा अपोजिट में है, एन वन एक्चुअली एन टू साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है। और कोई बताएगा कि एम जी किससे बैलेंस हो रहा है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एन टू कॉस थीटा से बैलेंस हो रहा है, समझ में आया? तो इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि नेट फोर्स जीरो हो, लेफ्ट वाला राइट से बैलेंस, ऊपर वाला नीचे से बैलेंस, लेफ्ट का फोर्स राइट से बैलेंस, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स से बैलेंस, यही इक्विलिब्रियम होता है। अब सुनिएगा, सुनिएगा ध्यान से, सर ट्रायंगुलर वेज भी तो रुका हुआ है, उसको भी थोड़ा लेके कुछ बना दीजिए। चलिए ट्रायंगुलर वेज बनाते, देखना ध्यान से, याद रखना यहाँ एक स्टॉपर लगा है जो इसको रोक के रखा है। जरा गौर करो इस कॉन्टेक्ट पॉइंट को, अगर हमारे इस बॉल के ऊपर N2 लग रहा है इधर, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से क्या ये N2 इधर लगेगा? ये एंगल थीटा है, तो N2 का दो कंपोनेंट, ये एंगल थीटा आएगा। अब सुनो, N2 का नीचे वाला कंपोनेंट हो गया N2 का कॉस थीटा, और राइट वाला कंपोनेंट आ गया N2 का साइन थीटा। कोई बताओ, कोई बताओ, और फिर से कोई बताओ कि अगर स्टॉपर हटा दें, स्टॉपर को अगर हटा दें, तो किस फोर्स की वजह से ट्रायंगुलर वेज मूव करना स्टार्ट कर देगा? इनटू साइन थीटा। वेरी गुड, वेरी गुड, इनटू साइन थीटा, वेरी गुड, इनटू साइन थीटा, इनटू साइन थीटा को स्टॉपर बैलेंस करके रखा है। अगर आप ये स्टॉपर हटाइएगा तो इनटू साइन थीटा किसी से बैलेंस नहीं होगा, और ये ट्रायंगुलर वेज उधर जाना स्टार्ट कर देगा। होता है ना, प्रैक्टिकली सोचो, अगर एक भारी बॉल ऊपर से रख दोगे तो धीरे धीरे नीचे सरकेगा और इसको धकेलते जाएगा, होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो ये सब चीज आप एनएलएम का पार्ट देख रहे हैं, आप जो आज तक जिंदगी में देखते आ रहे थे उसमें फोर्स किस तरह से काम करता वो हम आपको एक बार कॉपी पेन पे दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप आज जिंदगी में पहली बार ये चीज देखोगे, आप हजारों बार ये चीज देखे होंगे, लेकिन आज आप उसका बारीकी समझते हैं कि कौन है इसको राइट धकेल रहा है, कौन है इसको नीचे धकेल रहा है, कौन इसको बैलेंस करके रखा है, कब बैलेंस है, कब मोशन करेगा, क्या हो जाने से क्या होगा, यही सब चीज। तो ऐसा नहीं है कि आज से आपकी जिंदगी में फिजिक्स आई है, फिजिक्स पहले से है सब कुछ। आप देखिए फिजिक्स में कोई कोई बोलता है ना कि टीचर अच्छा से पढ़ा दे तो सब कुछ हो जाता, नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं। सुनिएगा, जब आप फिजिक्स बनाने के लिए बैठते हैं तो पहला इमेजिनेशन तुम्हारा होता है। अच्छा तुम ही सोचो, अगर आप इसको देख के ये नहीं सोच पाइएगा कि ये इक्विलिब्रियम में है या मोशन में, तो फिजिक्स क्या कर लेगा? फिजिक्स थोड़ी ना कुछ कर सकेगा। आप जब ये डिसीजन ले लीजिएगा कि हाँ ये इक्विलिब्रियम में है, तब फिजिक्स काम आएगा। बोलो, समझा? तो पहला डिसीजन तुम्हारा होता है। हाँ हाँ सर, हमको पता चल गया, हम लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किए हैं। अभी देखिए ना, हम आपका एक्सपीरियंस ही बता रहे हैं कि अगर आप ये स्टॉपर हटा दीजिएगा तो क्या होगा। हम तो आपको आज नहीं पढ़ाए, हम बोले कि स्टॉपर हटा दीजिए क्या, बोले आप सर मोशन करेगा सर, इतना आपको पता है, ये आप नेचर से सीख के आए, इतना आपको पता है कि हाँ मोशन करेगा। हाँ भाई, अब आज क्या सिखा रहे हैं आप? हम ये बता रहे हैं कि अगर वो मोशन करेगा तो कौन फोर्स है जो उसको मोशन करा रहा है, अगर आप छोड़ दोगे तो किस एक्सेलरेशन से वो आगे बढ़ेगा, यही सब हम आज करा रहे हैं। हम आज आपका स्टार्ट नहीं किया, आप तो बचपन से सीखते आ रहे हैं सब। बोलिए, मेरी बात समझ में आई? यस सर।
आगे बढ़ते हैं, देखो इसको, सुंदर सा डायग्राम है। एक्चुअली ये एंगल निकालने के लिए आपको इस तरह से डाटा दिया है। देखो यहां का जो नॉर्मल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा नॉर्मल एट ए, और यहां का जो नॉर्मल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा नॉर्मल बी, और ये होगा इसका वेट एम जी। अब कोई बोलेगा सर थोड़ा थीटा उटा निकाल दीजिए, देखिए देखिए देखिए, ए पॉइंट है, ए पॉइंट ये है हमारे पास एन ए। गौर करना गौर करना गौर करना, जरा गौर करो, क्या यहां से इसको मिला देंगे तो ये 5 सेंटीमीटर है, और ये 4 सेंटीमीटर है, बोलो ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, क्या आप यहां से साइन थीटा लिख सकते हैं 4/5, तो जरूरत पड़ेगा तो कॉस थीटा लिख देंगे 3/5, जरूरत पड़ेगा तो टैन थीटा लिख देंगे 4/3। यस सर। ठीक, अब आप पकड़िए बी को, बी को पकड़िए, बी के लिए ये 5 सेंटीमीटर होगा और ये 3 सेंटीमीटर होगा। मान लीजिए यहां का एंगल है अल्फा, तो अभी आप साइन अल्फा का वैल्यू लिखेगा 3/5, कॉस अल्फा का वैल्यू लिखेगा 4/5, और टैन अल्फा का वैल्यू लिखेगा 3/4। ये सब डाटा ऐसे दिया रहता है कि आपको इस तरीके से निकालना है। सर आप क्वेश्चन बता दीजिए, बिल्कुल देखो गौर से देखो, एन बी जो इधर लग रहा था उसका ऊपर वाला कंपोनेंट है एन बी का साइन अल्फा, और लेफ्ट वाला कंपोनेंट है एन बी का कॉस अल्फा, बोलो ठीक है। एन ए का राइट वाला कंपोनेंट है एन ए का कॉस थीटा, और ऊपर वाला कंपोनेंट है एन ए का साइन थीटा, बोलो ठीक है। yes, sir. चलो फिगर देख लो अच्छे से, फिगर देख लो अच्छे से, एम जी है नीचे, बताओ जरा एन ए कॉस, पहले ये बताओ, पहले ये बताओ, लाइफ का अपना एक्सपीरियंस यूज करो, बताओ ये बॉल रुका रहेगा या मोशन करेगा? रुका रहेगा, रुका रहेगा, वेरी गुड। कैसे मोशन करेगा? एन ए इधर से साइन थीटा भी, इधर से कॉस थीटा भी, अगर ये नहीं होता है, अगर मगर नहीं जो है सामने, एंड बी कॉस थीटा अगर नहीं होगा तो फिर ये बॉल तो मूव करेगा, तो है ना, तो फिर हम एज्यूम क्यों कर रहे हैं एंड बी कॉस थीटा, इसकी इस डायरेक्शन पे क्यों कर रहे हैं? अच्छा यहाँ पे जो पॉइंट है उस पे एक नॉर्मल नहीं लगेगा? अगर वो इधर लगे तो इधर भी कुछ एम ए साइन थीटा पर नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका एक कंपोनेंट ऊपर एक कंपोनेंट लेफ्ट, लेफ्ट है इसका एक कंपोनेंट ऊपर एक कंपोनेंट राइट। ये लोग भी सोच रहा होगा किससे बात कर रहे हैं। अच्छा सब है कोई ठीक है तो अच्छा है ना, मास्टर लोग जिसके अगल बगल में रहेगा यही सब पूछते रहेगा। चलो ठीक है, आप लोग का आंसर सही था, इसका आंसर गलत था, ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब देखिए यहां लेफ्ट हैंड से लग रहा है एन ए कॉस थीटा और राइट से लग रहा है एन बी कॉस अल्फा, ये दोनों तरफ, क्या ये दोनों बैलेंस होगा? Yes, sir. तो आप लिखेंगे, आप लिखेंगे एन ए कॉस थीटा विल बी बैलेंस्ड बाय एन बी कॉस अल्फा, ठीक है, तो आप लिखें एन ए कॉस थीटा का वैल्यू है 3/5 और ये है एन बी कॉस अल्फा का वैल्यू है 4/5, ये 5/5 कट गया जो है सामने। अब जरा बताओ एम जी को कौन बैलेंस किया, एम जी को कौन बैलेंस किया, ये देख के बताओ।
टेन एक्स साइन थीटा और टेन ए साइन थीटा और एम जी को दो लोग मिलके बैलेंस किया, एक बैलेंस किया एन ए का साइन थीटा और प्लस बैलेंस किया एन बी का साइन अल्फा, बोलो समझे? एम जी नीचे लग रहा है, एन ए का साइन अल्फा और एन बी का साइन अल्फा, ये दोनों ऊपर लग रहा था, देखो यहां दोनों, ये दोनों मिलके ऊपर लग के एम जी को बैलेंस किया, समझ में आया क्या? Yes, sir. तो ऐसे आपको इक्वेशंस बनाना होगा और फिर उनको सॉल्व करके आप अननोन निकालिएगा, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? वेरी गुड, खेला है ये? टग ऑफ वॉर। अच्छा बताओ जरा, जब तुम इस पर्टिकुलर अच्छा जब ये तुम इस रस्सी को अपनी तरफ खींचता है तो रस्सी भी तुमको अपनी तरफ खींचती है? Yes, sir. इसको कहते हैं थ्रेड का टेंशन, थ्रेड का टेंशन, इसी को कहते हैं थ्रेड का टेंशन, ठीक है ना? थ्रेड में जो टेंशन होता है, स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है, वायर में जो टेंशन होता है, उसको जब आप यूज करना चाहते हैं, जब आप उसको डिस्कस करना चाहते हैं, यू हैव टू कंसीडर एटलीस्ट टू और थ्री पॉइंट्स, जिसको आप दिमाग में रखें। देखिए ना, हर जगह पढ़ाई का तरीका क्या है, पढ़ाई का तरीका है हर जगह आप है ना दो तीन पॉइंट पे देख लीजिए, उसके बाद फिर उसको याद रखें। देखिए नॉर्मल में आपको दो लाइन बताएं, उसके बाद नॉर्मल में जो था सब कहानी इसी के इर्द गिर्द घूम रहा था, उसी तरह आपको टेंशन में भी दो तीन लाइन बताएंगे, फिर आपको जो निकालना होगा उसी से निकालते रहिए। टेंशन इन स्ट्रिंग, देखो एक से एक फिगर, पहले आ जाओ यहीं पर। टेंशन इन स्ट्रिंग, सबसे पहला चीज टेंशन इन स्ट्रिंग इज फोर्स, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर टेंशन मतलब वो माथा वाला टेंशन है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये फोर्स है जो हमारे स्ट्रिंग में वायर में ये डिपेंड एग्जिस्ट करता है, वो फोर्स है। दूसरा, वन स्ट्रिंग हैव वन वैल्यू ऑफ टेंशन, वन वैल्यू ऑफ टेंशन अंटिल any mass is present between its two ends, मतलब मान लो ये मास है, सुपरमैन अपने आप को समझ रहे हैं, सुपरमैन, इस सुपरमैन से लेके कॉमन मैन वन, कॉमन मैन टू, कॉमन मैन थ्री, सुपरमैन के हाथ में ऐसे पकड़ लिया है, एक स्ट्रिंग यहां से लेके कॉमन मैन थ्री तक है, एक स्ट्रिंग यहां से लेके कॉमन मैन थ्री तक है। अब देखो यहां से यहां तक कोई मास बीच में नहीं है, तो यहां पे एक ही टेंशन का वैल्यू होगा, जो भी होगा एक होगा, लेकिन जब हम लोग है ना कॉमन मैन वन और कॉमन मैन टू के बीच कोई वायर लेंगे, स्ट्रिंग लेंगे, तो इसमें एक अलग टेंशन होगा, और कॉमन मैन टू और कॉमन मैन थ्री के बीच अगर हम लोग स्ट्रिंग लेंगे तो उसमें एक अलग टेंशन होगा। बोलो समझ में आया? Yes, sir. जब भी बीच में कोई मास आ जाएगा उसके बाद स्ट्रिंग के पोर्शन में टेंशन बदल जाता है, और अगर बीच में कोई मास नहीं आया तो याद रखना कि स्ट्रिंग के एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होता है, ठीक है? थर्ड, डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सर ये क्या लिख दिए सर?
टेंशन का डायरेक्शन हमेशा तुम जिस पॉइंट पे लोगे उससे दूर होगा स्ट्रिंग के अलोंग में। टेंशन का डायरेक्शन आप जिस पॉइंट पे लोगे हमेशा उससे दूर होगा अलोंग द स्ट्रिंग। सर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं देख ले भाई। मान लो इन महाशय के ऊपर हाथ पे आप टेंशन बनाना चाहते हैं तो यहां से दूर, और अगर आप कॉमन मैन वन पे बनाना चाहते हैं तो यहां से दूर। ये एक ही टेंशन होगा, टी वन है तो ये भी टी वन है। ओके, अब अगर आप कॉमन मैन वन और कॉमन मैन टू के बीच लेंगे तो यहां पे टेंशन का नाम बदल जाएगा और डायरेक्शन तो तुम देख लो टी टू टी टू। अब उधर नहीं बनाते हैं, थोड़ा छोटा हो गया फिगर, ज्यादा चीज नहीं ड्रॉ करते हम। आगे बता रहे, जिस पॉइंट को आप पकड़िएगा याद रखिएगा टेंशन उससे दूर होगा। देखो जैसे हुक पे बनाओगे तो हुक से दूर ये टेंशन, अगर यहां बनाओगे तो यहां से दूर। एक ही धागा है ना, एक टेंशन। बोलो समझ में आया? यस सर। अगला देखो, यहां बनाओगे तो यहां से दूर, यहां बनाओगे यहां से दूर, यहां बनाओगे तो किधर बनाओगे? नीचे से, अवे फ्रॉम द पुली। अवे फ्रॉम द पुली, दिस इज द वे टेंशन का डायरेक्शन बनाते। यहां जाओ, यहां किधर बनाए बोलो, लेफ्ट या राइट? राइट राइट राइट। यहां कहां बनाए, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। यहां किधर बनाए? डाउनवर्ड डाउनवर्ड। और यहां अपवर्ड। तो टेंशन का डायरेक्शन आप ऐसे ड्रॉ करते हैं और प्रॉपर्ली ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा और डायग्राम में, अब और भी जो चीजें हम लोग सीख रखे हैं उसको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। यहां तो तुम देख ही रहे हो इसका एमजी है नीचे की तरफ, यहां भी इसका एमजी है नीचे की तरफ। यहां अगर चाहोगे तो इसका एमजी दिखा सकते हो नीचे की तरफ। यहां जाओ, यहां क्या इसका नीचे की तरफ कैपिटल एमजी बना सकते हो? यस सर। और सरफेस का नॉर्मल अगर चाहोगे तो ऊपर ड्रॉ कर सकते हो? फिर इसका स्मॉल एम जी, इसका स्मॉल एम जी नीचे बना सकते हो? हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब देखते हैं बचपन का कॉन्सेप्ट, बताओ ये रेस्ट में रहेगा या मोशन में, मतलब इक्विलिब्रियम में रहेगा या मोशन में? इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो देखो इसको अच्छे से, इस पे दो फोर्स काम कर रहा है, एक टेंशन और एक एम जी। आप सीधा बोलिएगा सर T is equals to mg हो गया आपका आंसर। बोलो समझा? अब यहां बताओ, मान लो दोनों मास बराबर नहीं है, दोनों मास बराबर नहीं है, दोनों मास बराबर नहीं है। आप ऐसा मान लीजिए ना कि जो हमारा m2 है वो 2 kg का है और जो m1 है वो 1 kg का है। अब बताइए क्या ये रेस्ट में रहेगा या मोशन में? मोशन। कौन नीचे जाएगा, कौन नीचे जाएगा, कौन नीचे जाएगा? तो ये नीचे गया a acceleration से, तो ये ऊपर जाएगा a acceleration से। अब आप लोग m2 पे ध्यान लगाइए, केवल m2 को देखिएगा, तो ये नीचे जा रहा है तो नीचे वाला फोर्स देखिए। हम यहाँ इक्वेशन बना रहे इसका, इसका लिखेंगे F net is equals to mass into acceleration। Yes sir। Yes sir। तो नीचे जा रहा मतलब M2G बड़ा है, M2G में से ऊपर वाला फोर्स टेंशन को माइनस किए तो लिखेंगे M2A। Yes sir। नहीं समझा? yes. सबको ही, सबको ही समझा M2G माइनस T क्यों लिखे, क्यों नहीं T माइनस M2G लिखे? समझ गए सर। सबको ही? वेरी गुड। तो चलो भाई इसका इक्वेशन बताओ खुद से, M1 का हम कैसे लिखे, ऐसा ही इक्वेशन लिखना चाहते हैं, कैसे लिखे? P minus M1G is equal to M1A। ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब टेंशन बढ़ा है तभी तो ऊपर। अरे यार
खड़ा हो गया, मेरे राइट हैंड को कोई खींच रहा 20 न्यूटन से, मेरे लेफ्ट हैंड को कोई खींच रहा 16 न्यूटन से, किधर जाएंगे बोलो? 16 बोले या 60 बोले? अच्छा छोड़ दो, 12 12 12 20 न्यूटन की तरफ जाएंगे। अच्छा बताओ नेट फोर्स कितना लग रहा है? 20 12 कितना लग रहा है नेट फोर्स? 8 न्यूटन लग रहा है। जाएंगे भी 20 की तरफ, सही है। तो डायरेक्शन देख के भी यू कैन डिसाइड कि विच फोर्स इज स्ट्रॉन्गर। अगर ये ऊपर जा रहा है इसका मतलब टेंशन बढ़ा, ये नीचे जा रहा मतलब M2G बढ़ा। इज दिस क्लियर? यस सर। तो इक्वेशन बनाते हैं, इसी तरह आगे भी आप सोच सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्या बोल रहे हैं ना कि अब इस पे है ना थोड़ा अगले दिन हम आगे इस पे चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि अगला के इक्वेशन सब थोड़ा अच्छा है, इस पे हम अगले दिन काम करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास था, बहुत सारा चीज आप कवर कर लिए। तो अगले दिन जब बैठिएगा, ये नोट्स अभी हम तुरंत आपको सेंड कर रहे हैं, तो अगले दिन जब आप बैठिएगा तो इतना करके रखिएगा, तब फिर एक क्लास और लेंगे। तो बहुत तेजी से ये चीजें ना आगे निकल रही है, सो बी केयरफुल। कहीं कोई दिक्कत समझने में? चलो वेरी गुड, हम इसको सेंड कर रहे हैं और बाकी सब ऐप में।